कल क्या पढ़ा था यार हमने? कल तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, कल तो सिर्फ बातें की थी। अच्छा जी, कल हमने बातें की थी जरा कोर्स के सिग्निफिकेंस की, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, हमारे लिए क्या क्या ज़रूरी है। कुछ अजीब अजीब सी बातें की थी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और इनोवेशन की, जो कि हमारे यहाँ नापैद हैं, स्पेशली पाकिस्तान में। तो वो अजीब सी बातें होती हैं। बहरहाल वो चीज़ें इसलिए थी कि हमें एक मोटिवेशन मिले कि दुनिया में हो क्या रहा है आजकल। भैया इसमें आप जितने भी देखें ना, आजकल लोग स्टार्टअप कर रहे हैं या अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, उनका एफर्ट बहुत ही ज़्यादा कम है। क्यों? क्योंकि आप इस सिर्फ कंप्यूटर पे अपने घर में बैठ के बड़ी बड़ी चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं। सही है? तो वो हमने सिर्फ मोटिवेशन के लिए और इस कोर्स के हेड स्टार्ट के लिए दिखा था। आज की क्लास का जो हमारा गोल होगा, वो हमने थोड़ी बहुत कोर्स आउटलाइन देखनी है कि हम इस कोर्स में पढ़ेंगे क्या अगले 3 महीनों में, और जो हम पढ़ेंगे वो असल में है क्या। सही है? ये दो चीज़ें पढ़नी। कल हमने एक चीज़ देखी थी कि जो एक वेबसाइट है उसकी पूरी लाइफ साइकिल क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है, कहाँ कहाँ से होते हुए जाती है और उस कंप्यूटर के पास जाती है जिसे हम सर्वर भी कहते हैं, जहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्ट हुई होती है या रखी भी होती है, और वहाँ से उठ के आपके पास सिर्फ एक फ़ाइल आती है जो फ़ाइल आपका ब्राउज़र रन करने के काबिल होता है। ये एक सिंपल सा फ्लो है। उस फाइल के अंदर मेनली 3 चीज़ें होती हैं, एक आपकी HTML होती है, CSS होती है और JavaScript। सही ना? अच्छा, इससे पहले कि हम ये देखें ये तीनों चीज़ें क्या क्या होती हैं और क्यों इस्तेमाल होती हैं, हम थोड़ा कोर्स के बारे में या कोर्स आउटलाइन के बारे में देख लेते हैं। सही ना? ये तो तय है कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। हमने इस क्लास के अंदर सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी हैं, एक HTML है, एक CSS है और एक JavaScript। सही ना? ये तीनों हैं क्या क्या? सही ना? इसके हम एग्जाम्पल इस तरीके से लेते हैं कि अभी सामने जो है वो बगदादी मस्जिद बन रही है। सही ना? अभी तो खैर इस पर प्लास्टर हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन जो फ्लोर नहीं बने उसमें उसका सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है वो कंप्लीट चीज़। ऐसे ही है, मतलब उसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत, बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन देखने में अजीब सी लग रही है। स्ट्रक्चर उसका पूरा कंप्लीट है। सही है? तो जो HTML है ना, HTML है क्या? यह हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक मार्कअप लैंग्वेज है, एक UI लैंग्वेज है एक तरीके से, जिससे हम स्केलेटन खड़ा करते हैं। सही ना? HTML इज फॉर स्केलेटन, जो आपकी बिल्डिंग पूरी बड़ी पूरी खड़ी हो जाती है, लेकिन सिर्फ उसका स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ना उसके ऊपर कलर हुआ है, ना उसके ऊपर प्लास्टर हुआ है, ना उसके ऊपर, ना उसमें दरवाजे लगे हैं, ना उसमें और कोई चीज़ें लगी हैं, लेकिन स्ट्रक्चर पूरा है। आप उसे कहीं से भी इनकम्प्लीट बिल्डिंग नहीं कह सकते, स्ट्रक्चर वाइज या स्केलेटन वाइज। वो होता है HTML से। हम जो वेबसाइट बनाते हैं तो हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है पूरा, जो टेक्स्ट दिखाना है, जो इंफॉर्मेशन है, जो आपके इनपुट्स इनपुट्स लेना या आउटपुट दिखाने की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें किससे कंप्लीट होंगी? इस HTML फाइल से। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सही? लेकिन वो देखने में अच्छी नहीं लगती। जितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो जाए, आप ये बगदादी मस्जिद थोड़े अर्से पहले देखते हो, देखने में अजीब सी लगती है। सही ना? या और कोई बिल्डिंग्स बन रही होंगी, भले जितनी भी बड़ी हो, लेकिन शुरू में देखने में बड़ी अजीब सी लगती है। यार इसमें तो कुछ है ही नहीं। यही हाल हमारी वेबसाइट के साथ है। जब हम HTML वेबसाइट की अपनी लिख लेते हैं तो वो देखने में बड़ी अजीब सी लगती है। डेटा सारा होता है, इंफॉर्मेशन सारी होती है, लेकिन देखने में अजीब सी होती है। सही है? अब उसे हमने ब्यूटीफाई करना होता है, उसे हमने खूबसूरत करना होता है। उसके क्या क्या तरीके हैं? मैं कलर कर दूं, सही है, मैं दरवाजे लगा दूं, फॉल्स सीलिंग्स लगा दूं,
थोड़ी खूबसूरत बना दूँ, खूबसूरत से पंखे लगा दूँ, सही है, बाहर कलर कर दिया, प्लास्टर कर दिया, मल्टीपल कलर्स कर दिए, या कोई ग्राफिटी बना दी, या कुछ भी ड्राइंग वगैरह बना दी, वो सारी चीज़ें कर दी, सही ना। वो जो ब्यूटिफिकेशन है वो आती है CSS से। CSS क्या है? ब्यूटिफिकेशन के लिए CSS होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, है ना। कैस्केडिंग क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसका इफेक्ट हर किसी पर होता है, मतलब आप होते हैं ना, एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है कि एक के बाद दूसरे पे, दूसरे के बाद तीसरे पे। तो अगर आपने एक HTML फाइल डिज़ाइन की हुई है और उसके अंदर आपने बहुत सारे HTML टैग्स वगैरह बनाए हुए हैं, और आप जब उसके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे तो उसका इफेक्ट वही होगा। SS क्या है? SS इज स्टाइल शीट, मतलब आप अपनी वेबसाइट को जो भी स्टाइल देना चाहेंगे वो CSS के थ्रू देंगे, सही है, मतलब आप एक्चुअली ब्यूटीफाई कर रहे हैं उसे। ये हमारी बिल्डिंग अब दिखने में खूबसूरत लग रही। पहले आपने स्ट्रक्चर बनाया, वो HTML था, वो दिखने में खूबसूरत नहीं लग रहा था, लेकिन कंप्लीट वेबसाइट सिर्फ वही थी, जो दिखना था आपकी वेबसाइट में वो सिर्फ वही था, उसके अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन दिखने में खूबसूरत नहीं था, वो आपने HTML से बनाया, फिर आपने उसे खूबसूरत किया, उसके ऊपर प्लास्टर किया, फिर कलर किया, फिर ग्राफिटी बनाई और दरवाजे लगाए और फॉल सीलिंग्स लगाई और बला 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 बला। उसके बाद से जो आपका आपकी बिल्डिंग है वो थोड़ी खूबसूरत नज़र आने लगी है CSS के बाद से, लेकिन अभी वो फंक्शन नहीं कर सकती, सही ना। उस फंक्शन नहीं कर सकती से मुराद ना उसके अंदर बिजली है, ना उसके अंदर गैस है, ना उसके अंदर पानी है, नल है लेकिन पानी नहीं आता, सही ना, पंखे और लाइट्स लगे हुए हैं लेकिन वो चलते नहीं हैं, सही है, और क्या चीज़ें होती हैं, चूल्हा है लेकिन गैस नहीं आती, खाना नहीं बन सकता, तो अभी भी वो रहने के काबिल नहीं है, वो फंक्शन के काबिल नहीं है, मतलब वो वर्क नहीं कर सकता, उसका ब्रेन नहीं। तो वो जो वर्क करवाना है ना उसे, वो है JS, सही है। JS क्या है? JS को हम किसी भी वेबसाइट का ब्रेन कह सकते, सही है। इसके बगैर भी वेबसाइट, अच्छा कुछ चीज़ों में, जगहों में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हो सकता है ज़रूरत ना पड़े, सही ना, लेकिन कहीं कहीं पड़ भी सकती है और बहुत सारी जगहों पे पड़ती भी है। अगर आपकी वेब आपने आपकी आपने डम्प वेबसाइट बनानी है जिसका कोई काम नहीं है, सिर्फ चीज़ें दिखाना है, तो ठीक है आप JS के बगैर बना लें, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द टाइम JS की उतनी ही ज़रूरत पड़ती है जितनी HTML और CSS, सही ना। तो इन तीनों को आपस में एक दूसरे की जरूरत है। इसकी एक और एनालॉजी आप ये ले सकते हैं कि कार है, कार का पहले स्ट्रक्चर बना दिया आपने, वो भी बड़ा अजीब सा लगता है, वो HTML है, फिर आपने उसके ऊपर जी वो उसकी शीट्स लगा दी और कलर कर दिया और बड़ी खूबसूरत सी बना दी, सही है ना। उस खूबसूरत सी बनाने के बाद वो दिखने में तो अब बड़ी खूबसूरत है लेकिन चलने के काबिल नहीं है अभी भी, ऐसे ही है। चलने के काबिल कब होगी? HTML से स्केलेटन था, आपने उसे खूबसूरत बना दिया CSS डाल के, लेकिन चलने के काबिल नहीं है क्योंकि उसका इंजन ही नहीं है। इंजन क्या होगा? इंजन और स्टेयरिंग, ब्रेक, ये सारी चीज़ें ब्रेन होंगी जो कि हम किसी भी वेबसाइट में JS के थ्रू इंसर्ट करेंगे, सही है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि मार्कअप लैंग्वेज है, सही ना। इससे हम प्रोग्राम नहीं कर सकते। प्रोग्राम करने का क्या मतलब होता है? प्रोग्राम करने का मतलब ये होता है कि मैं जब आपके फंक्शंस होते हैं ना, प्रोग्राम होते हैं, शादी का प्रोग्राम है, उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, उसके अंदर पहले होता है कि जी पहले तैयार होना है, फिर शादी हॉल में एंट्री होनी है, फिर निकाह होना है, फिर खाना होना है, और फिर उसके बाद रुखसती होनी है, सही है। और इसमें होता क्या है, ये सब लाइन से एक एक चीज़ें करके एग्जीक्यूट होती है, ये एक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम भी ऐसे ही होता है, मैं क्या कहता हूँ, मैं कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता हूँ
और उन इंस्ट्रक्शंस देने पर वो उस काम को परफॉर्म कर देते हैं। मैंने कंप्यूटर से कहा कि लेट्स से कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करते हैं उसके पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि अभी पहले तुम मैसेज का बबल बना दो, कंप्यूटर से कहते हैं मैसेज का बबल बना दो, फिर तुम सिंगल टिक शो कर दो, फिर तुम मैसेज भेज दो, फिर मैसेज अगर चला जाए तो डबल टिक कर दो, फिर देख ले तो ब्लू टिक कर दो, वगैरह वगैरह। सही, इसके अंदर वो चीज़ें नहीं होती, इसके अंदर हम वो काम नहीं कर सकते। इसके अंदर हम कंप्यूटर को ये नहीं कर सकते कि भाई तुम 2+2 का रिजल्ट दे दो मुझे। कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है ना, उसे कैलकुलेशन करवाते हैं सारी। तो हम अगर लिटरल मीनिंग में लें कैलकुलेशन, तो मैं कंप्यूटर को ये नहीं कह सकता कि भाई तुम मुझे 2+2 का आंसर दे दो HTML के थ्रू, ठीक है। HTML इट्स नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज यूज टू बिल्ड स्केलेटन और UI और एलिमेंट्स ऑफ एनी वेबसाइट, सही ना। ये जो है CSS, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सही ना। ये एक स्क्रिप्ट, आप स्क्रिप्ट कह सकते हैं इसे, क्योंकि एक स्क्रिप्ट के तौर पे लिखी जाती है ये। और इसका काम सिर्फ क्या होता है, इसका काम होता है कि ये किसी भी वेबसाइट को ब्यूटीफाई कर दे। ब्यूटीफाई कैसे हो सकती है, जैसे नहीं पड़ा कि मैं कलर कर दूँ, बॉर्डर लगा दूँ, सही ना, थोड़ा सा खूबसूरत बना दूँ, बड़ा कर दूँ, छोटा कर दूँ, ऊपर कर दूँ, नीचे कर दूँ, वगैरह वगैरह, सही ना। वो सारे के सारे काम किससे होंगे, CSS से होंगे, जो कि एक स्क्रिप्ट है, सही है। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी एक स्क्रिप्ट है, लेकिन इसके इसको हम कहते हैं कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि ये वो लैंग्वेज है जिसमें हम कंप्यूटर को एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कुछ परफॉर्म करने के लिए, सही ना। हम कंप्यूटर से कह सकते हैं कि ज़रा तुम 2+2 कर दो, हम कंप्यूटर को कह सकते हैं कि तुम जो है वो इसको डिवाइड कर दो, या तुम मैसेज भेज दो। जितने वेबसाइट पे भी होते हैं ना, आपने देखा होगा इसमें किस किस ने ऑनलाइन फिल किया है OTS का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऑनलाइन यही काम है ना सारा। ऑनलाइन में आप यही वो जो सारा काम हो रहा है वो किससे हो रहा है, वो JavaScript के थ्रू। जितने भी आपको फील्ड्स नज़र आ रही हैं, इनपुट बॉक्सेस जिसमें हम इनपुट डाल रहे हैं, वो HTML है। अगर वो थोड़ा सा मोटा चौड़ा और खूबसूरत सा नज़र आ रहा है तो वो CSS का कमाल है। और अगर आपके सेंड करने पर आप वाकई रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया तो वो JS का कमाल, JavaScript का कमाल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, ये हमने जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है HTML से, सही है। फिर उसके बाद हमने CSS पढ़नी है, और आखिर में हम JS की तरफ आएंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, और फिर सबसे आखिर में हम एक एक्सरसाइज करेंगे, या फिर एक वेबसाइट या किसी भी एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जिसमें ये तीनों की तीनों चीज़ें मौजूद होंगी, ठीक, ताकि वो एक आपकी एक फ़ाइनल प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, इसका हमारा गोल क्या होगा, इस कोर्स का गोल क्या है? इस कोर्स का गोल ये है कि आप इस काबिल हो जाएं कि आप कुछ भी देख के पता लगा सकें कि इस वेबसाइट में है क्या, मतलब ये जो वेबसाइट चल रही है ये एलिमेंट क्या होगा, ये एलिमेंट क्या होगा, ये एलिमेंट क्या होगा, और आप उसे बना भी सकते हो। दूसरी चीज़, आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाए कि वेब डेवलपमेंट एक्चुअली होते किस तरीके से हैं, और आपको कोई भी चीज़ अगर दी जाए, कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए दी जाए, तो आप सर्च करके बना सकें, सही ना। जितनी ज़्यादा सर्चिंग स्ट्रांग होगी आपकी, उतना ज़्यादा आप लर्न कर सकें। अब ये मिसाल के तौर पर जो HTML है उसके कोई हज़ारों की तादाद में टैग्स हैं, हज़ारों की तादाद में। ये कभी मत सोचिएगा कि मैं इसे याद कर लूँगा, सही ना, वो कभी भी नहीं हो सकता। CSS की जो है वो लाखों प्रॉपर्टीज़ हैं, कभी भी नहीं सोचिएगा कि हम इसे याद कर लेंगे, सही है। ना ही आपको JavaScript के सारी क्लासेस के सारे फंक्शंस याद होंगे, सही है। तो करना क्या है, आपने कॉन्सेप्ट सीखने हैं कि हम चीज़ें बनाते किस तरीके से, वो चीज़ें बनती किस तरीके से, उसके पीछे क्या हो रहा होता है। वो चीज़ आपको समझ आ गई तो फिर गूगल अलैह सलाम जो है ना, वो आपके लिए हर कहीं मौजूद है। एक सर्च अवे, सर्च करें, लिखें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सही है। तो वो बेचारों ने, पहले वालों ने बहुत मेहनत की है, उन्होंने
किताबें पढ़ पढ़ के और खुद से ट्राई कर करके किया है मेहनत, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं, हमें दूसरी मेहनत की ज़रूरत है। हमें उस मेहनत की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से बेहतर तरीके से सर्च कर सकते हैं और बिल्ड कर सकते हैं। ये वो आपने सुना होगा कि एक टर्म होती है रीइन्वेंट द व्हील। हमें व्हील रीइन्वेंट नहीं करना, कि मुझे अगर पहिया बनाना है तो मैं ज़रा शुरू हो जाऊँ कि ये बनेगा कैसे और उसकी फिज़िक्स में सर चला जाऊँ वगैरह वगैरह। जो तो मेरा आज बना हुआ है तो मैं उसे उठा के इस्तेमाल करूँ। तो आपने भी यही करना है, जो बना हुआ है उसे उठा के इस्तेमाल करना है, लेकिन आपको वो इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो हमारा गोल ये होगा कि हम वो इस्तेमाल करना सीख लें, वो चीज़ जो कि पहिया ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक हो गया, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? यहाँ तक कोई सवाल कोर्स के हवाले से, किसी और चीज़ के हवाले से? नहीं। चलें जी, अब हम आ जाते हैं ज़रा सिर्फ HTML के ऊपर। अच्छा जी, अब जितनी भी लैंग्वेज होती क्या है, लैंग्वेज होती है कम्युनिकेशन का एक ज़रिया। सही, आपसे मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपसे मैं इंग्लिश में बात करूँ, आप जब भी समझ जाएंगे, सही है ना? लेकिन अगर मैं आपसे चाइनीज़ में बात करना शुरू कर दूँ तो आप नहीं समझेंगे। अच्छा, वो भी समझ जाएंगे, पढ़ानी शुरू कर दी वहाँ पे यार। चलो, और मुश्किल लैंग्वेज कौन सी है? पुर्तगीज़ में बात करना शुरू कर दूँ मैं आपसे तो नहीं समझू, है ना? कंप्यूटर का भी कुछ ऐसे ही सीन। चल, लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लैंग्वेज में ग्रामर होती है, लैंग्वेज में उसकी वोकैबुलरी होती है। मतलब मैं अगर उर्दू में आपको जुम्बाकू बोलूँ तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। हालांकि मैं कहूँगा कि ये जी उर्दू का वर्ड है, लेकिन ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपको क्या समझ आएगा? ना मुझे समझ आएगा, ना आपको समझ आएगा। तो उसमें वर्ड्स होते हैं, वोकैबुलरी होती है, उसका वैलिड होना ज़रूरी है सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसकी ग्रामर ठीक होना ज़रूरी है ना? मैं आपसे पूछूँ कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप कभी भी मुझे ये जवाब नहीं देंगे कि मैं कल पढ़ रहा था या फिर मैं पढ़ रहा हूँगा। ये ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। आप कहेंगे मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही है। ग्रामर ये ज़रूरी है। यही हाल उन तमाम लैंग्वेजेस का है जो हम कंप्यूटर को समझाने के लिए लिखते हैं। कंप्यूटर से बात करने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी या मार्कअप लैंग्वेज बनी या कुछ भी बनी, है ना? हम आपस में उर्दू में बात करते हैं, लेकिन जब भी हम कंप्यूटर से बात करते हैं तो कंप्यूटर से बात हम करते हैं किस लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज उसके लिए बनाई गई है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या मार्कअप लैंग्वेजेस हैं या एक्सपायरेट, जो कुछ भी, सही है? अब एक्चुअली होता क्या है, कंप्यूटर जो है ना, इन इट्सेल्फ, अगर हम सिर्फ कंप्यूटर की बात करें, उसके ऊपर आगे पीछे से सारी चीज़ों को हटा दें, तो वो कुछ नहीं समझता। वो सिर्फ एक चीज समझता है, और वो क्या है? 1-0, सिर्फ बाइनरी समझता है कंप्यूटर, सही है ना? कंप्यूटर को मैं कुछ भी दे दूं 1 और 0 के अलावा उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं उसे 1-0 दूंगा तो ही उसे कुछ ना कुछ समझ आएगा, वरना नहीं। अगर लेट्स से कि ये आपका कंप्यूटर है या प्रोसेसर है या जो कुछ भी, इसकी जो एंट्रेंस है ना, वो ये सीक्वेंस होनी चाहिए। किसको नहीं पता कि ये क्या होता है? सबको पता है? चलिए, अच्छा जी, ये बाइनरी है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के नंबर सिस्टम्स मौजूद होते हैं, जो आप मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं कंप्यूटर की क्लास में पढ़ के आए हुए होंगे। 4 जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिसमें से एक बाइनरी है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है और ऑक्टा है, सही? उसमें सिर्फ बेसिस का फ़र्क होता है। बेस क्या होती है? बेस ये होती है कि कितने नंबर्स उस जो आपका नंबर सिस्टम है उसके बेस में कितने नंबर्स पॉसिबल हैं, बेसिक नंबर्स कौन से हैं उसके, सही ना? जैसे अगर बाइनरी है, बाइनरी की बेस 2 होती है,
बाइनरी की बेस 2 होती है, तो इसके अंदर कितने बेसिक नंबर्स कितने पॉसिबल हैं? सिर्फ 2, 0 और 1। ऑक्टा की जो बेस है वो 8 होती है, उसके अंदर कितने हैं? 0 से 7 तक 8 नंबर पॉसिबल हैं, सही है। इसी तरीके से डेसिमल के अंदर 0 से लेकर 9 तक हैं, और हेक्साडेसिमल के अंदर उसकी बेस 16 होती है, इसकी 10 होती है, इसकी 16 होती है, तो 0 से लेकर F तक, 0 से लेकर 9 तक, 9 के बाद ABCD शुरू हो जाता है, 0, 9, फिर ABCD, A से लेकर F तक, तो टोटल 16 इसकी बेस है, सही है। ये हमारे नंबर सिस्टम है। कंप्यूटर इन नंबर सिस्टम में से सिर्फ कौन सा एक्सेप्ट करता है? बाइनरी। उसकी वजह क्या है? हाँ, मतलब डिजाइन क्यों हुआ है, डेसिमल पे डिजाइन क्यों नहीं हुआ है? हाँ, यही तो हम भी कह रहे हैं, 2 ही समझ सकता है। सवाल ये, क्यों 2 समझ सकता है? मशीन है तो नहीं, अगर मशीन हमने बनाई तो हम डेसिमल पे भी बना सकते थे ना, मशीन इंसानों नहीं बनाएंगे तो डेसिमल पे बना देते भाई। बिल्कुल ऐसी, सही है ना। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सही है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपका वोल्टेज चलता है और सिग्नल्स चलते हैं, सही है। आपके पास लाइट के अंदर, ये इस बटन के अंदर सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। ये भी एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ना, या इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, फैन, सही ना। इसके अंदर सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं ऑन करूँगा या तो मैं ऑफ करूँगा, लाइट में भी यही। तो कंप्यूटर भी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सिग्नल्स पे चलती है, वोल्टेज के सिग्नल्स पे चलती है, तो उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो हाई या तो लो। जो हाई है वो क्या है? 1 है, और जो लो है वो 0। आपने अपने रिमोट पे भी देखा होगा कुछ इस तरीके से बना होता है, सही है, यही होता है। 0 मीन्स ऑफ और 1 मीन्स ऑन। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने की वजह से जो हम उसे सिग्नल दे सकते हैं वो यही दे सकते हैं, या तो हम हाई वोल्टेज देंगे या तो हम लो वोल्टेज देंगे, 0 देंगे या 1 देंगे। इस यही ये वजह है कि यहाँ पे आगे कंप्यूटर की लिमिटेशन है, इससे ज़्यादा वो कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बिजली या इलेक्ट्रिकल सिग्नल इससे ज़्यादा तादाद में हो नहीं सकते, ठीक है। अब जब कंप्यूटर ये समझता है सिर्फ 1 और 0, लेकिन हम यहाँ पे HTML में लैंग्वेज में हम लेट से हम कुछ भी लिख दें, हम टैग बना देते हैं लेट से बॉडी का, अभी हम देखेंगे कि ये क्या होता है। लेकिन ये कंप्यूटर कैसे समझ जाता है कि मुझे करना क्या है, या फिर हम जावा स्क्रिप्ट में कोई कैलकुलेशन लिखेंगे तो वो कंप्यूटर कैसे समझ जाता है कि ये मुझे कैसे करना है? नहीं, कंप्यूटर तो ये समझता ही नहीं है ना, कंप्यूटर के लिए ये कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर के लिए सब कुछ ये है, कंप्यूटर के लिए सब कुछ सिर्फ 0 और 1 है, सही। अच्छा, वो होता कैसे है? वो ऐसे होता है कि कंप्यूटर में कुछ चीज़ें लगी हुई होती हैं, हाँ, जितनी भी चीज़ें जाती हैं वो डायरेक्टली कंप्यूटर के प्रोसेसर में नहीं जाती, सही। उससे पहले हमारे पास एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है एक तरीके का, जिसका काम क्या होता है कि जो भी यहाँ पे चीज़ें आ रही है ना वो उसे कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करे, सही ना। हम उसे बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, हम उसे यूजुअली इंटरप्रेटर कहते हैं, ये डिपेंड करते हैं हम क्या यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम एक जनरल ओवरव्यू के लिए हम कह सकते हैं कि इंटरप्रेटर कहते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है? जैसे ही आपके पास कोई लैंग्वेज वगैरह आती है, कोई भी चीज़ आती है, इंटरप्रेटर उसे एक्चुअली कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। इसमें बीच में और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, हम वो फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो हमारा काम नहीं, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू यही है कि एक चीज़ होती है, वो चीज़ कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल या प्रोसेसर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में चीज़ें कन्वर्ट करती है,
ताकि कंप्यूटर को समझ आ सके कि मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दी, सही है। अच्छा, अब ये जो इंटरप्रेटर है ये असल में वो है जो नवाज शरीफ के साथ बैठा होता है। कभी भी वो अगर किसी से मुलाकात करने जाते हैं बुश के साथ या किसी ऐसे के साथ जो उसकी लैंग्वेज नहीं समझता, तो वो ये वो है जो उसके साथ बैठा होता है, तो उसे कन्वर्ट के दे रहा होता है। उसमें पूरा यही काम चल रहा होता है। वो कुछ कोई फैन तो नहीं है भाई यहाँ पे, बाहर पकड़ ले मुझे आगे गई नवाज शरीफ को गाली, चलें कोई और ले लें भाई, कुछ भी ले लें। तो होता क्या है कि वो उससे बोलता है अपनी लैंग्वेज में, वो उसको बताता है उसकी लैंग्वेज में, फिर ये दोबारा इसको बताता है उसी की लैंग्वेज में, और ये इसे लैंग्वेज चेंज करके बताता है। यही काम यहाँ पे चल रहा है। आप जब ए लिखते हैं तो उस ए प्रेस करने से कंप्यूटर की स्क्रीन पे नज़र आने तक ये सारा काम होता है। वो जाता है अंदर, उसे कन्वर्ट करके प्रोसेसर को देता है, प्रोसेसर कहता है अच्छा ये है भाई ठीक है, फिर वो उस पर स्क्रीन पर आके आपकी नज़र आ रहा होता है, सही है। अब इससे एक और चीज़ जन्म लेती, वो क्या चीज़ जन्म लेती है कि उर्दू है, आप हम लोग उर्दू स्पीकिंग है, मदर टंग हमारी उर्दू है, लेकिन अगर मैं फारसी के बहुत सारे लफ्ज़ बोलूँ आपसे तो आप समझ सकते हैं, ऐसे ही है नहीं? इंसानम आप समझ जाएंगे, हाँ भाई इंसान की बात, पूरा वही वर्ड नहीं है लेकिन आप समझ जाएंगे यहाँ पर इंसान की बात हो रही है, सही है। तो ये जो फारसी और उर्दू है ये बहुत ज़्यादा करीब है, उर्दू के अंदर फारसी के भी बहुत सारे लफ्ज़ हैं तो आप उसे समझ सकते हैं, सारे नहीं लेकिन बहुत हद तक समझ सकते हैं जो आगे पीछे ही है, सही है। अच्छा, आप इंग्लिश और फारसी का भी यही है, ब्रादर, ब्रादर फारसी का वर्ड है लेकिन हम इसे इंग्लिश में भी ब्रदर वो समझ जाएंगे आप, सही है ना। तो और भी इस तरीके से काफ़ी वर्ड्स हैं। तो इस बताने का मकसद क्या है कि बहुत सारे लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनका जो ओरिजिन है जहाँ से वो चली हैं वो सेम होता है, तो वो बहुत सारे वर्ड्स आपस में शेयर करती हैं जो कि आप हो सकता है समझ जाएं, सही है, ज़रूरी नहीं है समझें लेकिन हो सकता है समझ जाएं। लेकिन इसी के बरक्स मैं बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज से मैं अगर आपसे बात करूं जो कि जिसका ओरिजिन ही बिल्कुल डिफरेंट है तो वो आप उसका कोई भी वर्ड नहीं समझते, यही हाल यहाँ पर भी हो, सही है ना। ऐसी लैंग्वेज जो कि हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, सही ना, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि मशीन के ओरिजिन से है या मशीन के करीब है, और एक ऐसी लैंग्वेज जो कि ह्यूमन से करीब है, सही है। हम दो एक्सट्रीम्स बना लेते हैं, यहां पे है मशीन और यहां पर है ह्यूमन, सही है। जितनी ज्यादा लैंग्वेज मशीन की तरफ जाती जाएगी उतना ज्यादा कम काम मशीन को करना पड़ेगा, क्योंकि उससे मिलती जुलती चीज़ आ रही है एकदम, उसको पता है कि अच्छा ये इसका तो ये मतलब होता है, उसे ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। अगर 10 वर्ड्स बोले तो 10 वर्ड्स में से लेट से उसे 8 वर्ड्स आते हैं, 2 वर्ड्स उसको ट्रांसलेट करने पड़े, उसका काम हो गया, सही है ना। ये मशीन की तरफ जा रही, इसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। क्यों? क्योंकि ये मशीन के ज़्यादा करीब है, जब मशीन के ज़्यादा करीब है तो मशीन के लिए उन्हें समझना ज़्यादा आसान है, सही है, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, इतना ज़्यादा ट्रांसलेशन नहीं करनी पड़ी। एक्सट्रीम लेवल क्या है कि मैं सारी प्रोग्रामिंग बाइनरी में करनी शुरू कर दूँ तो कंप्यूटर को कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, उसे तो बस वही इनपुट मिल गया जो उसे चाहिए, ठीक हो गया। और अगर हम इसके दूसरी तरफ जाएं तो अच्छा ये वाली चीज़ें इंसान की समझ में नहीं आ सकती। मैं आप ये लिखा हुआ है, मैं आपसे कहूँगी ज़रा बताओ क्या लिखा हुआ है, आप नहीं बता पाएंगे, सही ना। लेकिन अगर मैं इसके बरक्स यहाँ पे यूँ लिख दूँ
कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, तो ये आप बता सकते हैं, सही है ना। ये जो है ह्यूमन के ज़्यादा करीब है, ये जो है वो मशीन के ज़्यादा करीब। तो जो ह्यूमन के ज़्यादा करीब है वो कौन सी होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये जो हमारी, हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, तीन चीज़ें, वो सारी क्या हैं? वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं या हाई लेवल स्क्रिप्ट्स हैं। वो ह्यूमन से ज़्यादा करीब हैं तो ह्यूमन के लिए समझना वो ज़्यादा आसान है, जबकि जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं वो मशीन के लिए समझना ज़्यादा आसान है, वो हम उसमें नहीं करते। आप लोगों में से किसी ने अगर असेंबली लैंग्वेज अभी तक पढ़ी है? नहीं पढ़ी, पढ़ी है, सही है। तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो कौन सी है? वो लो लेवल लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि आपके लिए समझना वो ज़्यादा मुश्किल है, जब तक आप उसे बहुत ज़्यादा सही तरीके से सीख ना लें, सही है। इवन वो भी आगे जाके कन्वर्ट होती है, ट्रांसलेट होती है, क्योंकि वो भी कंप्यूटर नहीं समझ सकता, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है। ठीक हो गया जी। बारह हमने जो पढ़ना है वो सारी सारी कौन सी पढ़नी है? हाई लेवल लैंग्वेजेस पढ़नी है, जो कि ह्यूमन से ज़्यादा करीब है, इसलिए हमें समझना आसान है, सही ना। अब दोबारा आ जाते हैं ज़रा लैंग्वेज के ऊपर और उन बातों के ऊपर जो हमने शुरू में स्टार्ट की थी कि ग्रामर होती है और वोकेबलरी होती है। कंप्यूटर को समझाने के लिए भी हमें उसी की ज़ुबान में बात करनी पड़ेगी, सही है। तो ये जो बात करने का अंदाज है ना, इसे हम कहते हैं सिंटैक्स। क्या कहते हैं? सिंटैक्स। तो कंप्यूटर से जब हम बात करेंगे तो हम बिल्कुल उसी सिंटैक्स में करेंगे जिस सिंटैक्स में कंप्यूटर समझता है। अगर हम थोड़ा सा भी कुछ आगे पीछे करेंगे तो कंप्यूटर कहेगा कि भाई ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, मेरे सिंटैक्स में बात करो। और जब उसमें कुछ एरर आता है, कोई इशू आता है, तो हम उसे कहते हैं सिंटैक्स एरर, कि ये लिखने के अंदर कोई इशू आया है जो कि आपने इस तरीके से लिखना था और दूसरी तरीके से लिखा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा HTML के ऊपर, एक्चुअली कि हम लिखते किस तरीके से। यहाँ तक के बाद एक क्लियर है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई चीज़ है तो वो पूछ, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। HTML लिखने का तरीका क्या है, या फिर अगर जो हमने अभी पढ़ा उस हिसाब से कहें तो HTML का सिंटैक्स क्या है, लिखते किस तरीके से। इसमें जितनी भी मार्कअप लैंग्वेजेस है ना, जो स्पेशली UI वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं, उसमें हमेशा एक कॉन्सेप्ट होता है टैग्स का। हर मार्कअप लैंग्वेज आप और भी पढ़ेंगे आगे, कभी मौका मिला, XML या XHTML या इस किस्म की और XAML वगैरह, उन सब में टैग्स का ऑप्शन होता है। टैग्स क्या होते हैं? वो प्राइस टैग्स देखे होंगे आपने किसी भी उसके ऊपर, कोई कपड़े शपड़े होते हैं ना, उसके ऊपर लगा होता है एक प्राइस टैग। वो क्या होता है? उसकी कुछ खासियत होती है। उसकी क्या खासियत होती है? पहली चीज़ ये कि उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, सही ना, पैसों की इन्फॉर्मेशन है, वो बार कोड लगा होता है या और कोई चीज़ लगी होती है। पहली चीज़ ये, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है उस चीज़ के हवाले से जिस चीज़ पे वो लगा। दूसरी चीज़, वो एसोसिएटेड होता है सिर्फ एक चीज़ से। अगर किसी पैंट के ऊपर लगा है तो वो उसी से ही एसोसिएटेड होगा, उसी की सारी इंफॉर्मेशन होगी, सही है, और वो किसी और जगह यूज़ नहीं हो सकेगा, सही। बिल्कुल यही सीन HTML के टैग्स का। आप टैग्स लगाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपने वहाँ पे टैग लगा दिया तो वो पूरा उस पैंट का ही हो गया। यहाँ पे हमें बताना पड़ता है कि जो टैग है वो किस चीज़ का है। उस पूरी चीज़ को बताने के लिए हमें उसे एक चीज़ के अंदर इनक्लोज करना पड़ता है। जब बताना है ना मुझे, अगर एक चीज़ बतानी कि भाई ये क्लास, ये लैब है, तो मुझे इसके आसपास दीवारें खड़ी करनी पड़ी और दरवाजे लगाना पड़ा ये समझाने के लिए कि भाई ये जो क्लास है इनक्लोज, ये एक कंप्यूटर लैब है, सही। बिल्कुल उसी तरीके से HTML के अंदर अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन जितनी भी है ये इस टैग की है। वो हम कैसे बताते हैं? वो हम बता रहे हैं टैग के ज़रिए। लेट से ये कोई भी टैग हो सकता है, अब हम टैग का नाम नहीं लिख रहे, ये इंडिकेशन देते हैं
क्या कहते हैं इसे, एंगल ब्रैकेट्स, सही ना, इन एंगल ब्रैकेट्स स्टार्ट और एंड, और इसके अंदर हम यहाँ पर आते हैं टैग का नाम, जो कुछ भी टैग का नाम, सही, ये बताता है कि ये वाला टैग जो है वो स्टार्ट हो गया, सही ना, इसे हम कहते हैं ओपनिंग टैग, ठीक है। लेकिन आप बहुत लेट हैं, क्यों, आज तो दूसरी ही क्लास है, लेट क्यों है, 2 बजे क्लास शुरू हुई थी, तो 1.5 घंटे आपने नमाज पढ़ी है, ऐसा नहीं करे यार, ये आखिरी दफा है मैं अलाउ कर रहा हूँ, अच्छा जी, क्या बात कर रहे हैं, ये ओपनिंग टैग है, ये ओपन हो रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे बताना है कि भाई ये टैग बंद भी होना चाहिए, कितनी इंफॉर्मेशन है, ये कितनी चीज़ है जो इस टैग के अंदर आनी चाहिए, उसका भी एक सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स है, मैं अगर खाली टैग का नाम लिख दूंगा नहीं पता चलेगा कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को, नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या लिखा है, सही है, तो आपने इसी तरीके से ही लगाना है, ये सिंटेक्स है, आप हटा देंगे तो वो एक सिंटेक्स एरर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी आ गई, लेकिन फिर मुझे इनक्लोज करना है इस इंफॉर्मेशन को, दोनों सेम है, सिर्फ फर्क किसका है, इस चीज में, तो आपको एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा टैग, उसके बाद ओपनिंग एंगल ब्रैकेट के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा इंडिकेट करने के लिए कि अब ये जो टैग है वो क्लोज हो गया और इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसकी है, इस पूरे टैग की, इसे हम कहते हैं क्लोजिंग टैग, सही है। HTML के अंदर कोई भी टैग आप बना रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम क्या करते हैं, यूजुअली हम ये करते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग एक साथ बनाते हैं, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि जब अभी आप कोई काम कर रहे हैं तो कुछ एरर से बचने के लिए, ऐसे एरर जो कि बहुत कॉमन है, ह्यूमन एरर्स हैं, उनसे बचने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ होती हैं, सही ना, तो उनमें से एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपने जिस वक्त ओपनिंग टैग बनाया आप उसी वक्त क्लोजिंग टैग भी बना लें ताकि आप बाद में ना भूलें, सही है, वो आगे जब हम लिखना शुरू करेंगे, टैग्स बनाना शुरू करेंगे तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक हो गया, ये एक क्लोजिंग टैग, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आती है, सही है, ये होता है टैग। अब हर टैग की कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमने बात की थी कि जो आपका प्राइस टैग है उसके अंदर उसकी प्राइस लिखी हुई होती है, बार कोड लिखा हुआ होता है, कभी कभी उसके एट्रीब्यूट्स लिखे होते हैं, मतलब कि इसकी लेंथ इतनी है, इसकी वेस्ट इतनी है, सही है ना, इसकी विड्थ इतनी है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें भी लिखी होती हैं, वो क्या होते हैं, वो उस चीज़ के एट्रीब्यूट्स होते हैं जिस चीज़ में टैग लगा हुआ होता है, सही है, यहाँ पे भी यही सीन है, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन वो आते कहाँ हैं, वो लिखते कैसे हम, उनको लिखने का तरीका है, यहाँ पे आपका टैग है, यह आपका टैग क्लोज हो गया, यहां से एंडिंग एंगल ब्रैकेट मिसिंग है, ये जो जगह है ना ये आपके एट्रीब्यूट्स के लिए, जो भी एट्रीब्यूट्स आपने उस टैग को देने हैं वो आप यहां पे दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगर पैंट की बात कर रहे हैं हम तो मैं कह दूंगा कि भाई इसकी जो लेंथ है वो 44 है, जो इसकी वेस्ट है वो 50 है, ये उसका एट्रीब्यूट, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, जब हम आगे और टैग्स यूज़ करेंगे तो उसमें आपको पता है हर किसी के एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होते हैं ना, हर तो इस जैसे अगर पैंट पे लगा है तो उसके एट्रीब्यूट डिफरेंट होंगे,
लेकिन अगर शर्ट पे लगे तो उसके एटीट्यूड्स डिफरेंट होंगे, सही है। किसी जो है वो खिलौने पे लगा है उसके एटीट्यूड डिफरेंट होंगे, कंप्यूटर पे लगा है उसके एटीट्यूड डिफरेंट होंगे। बिल्कुल इस तरीके से ये किस पे डिपेंड करता जाएगा, टैग के ऊपर। जो टैग आप यूज़ करेंगे उस हर टैग के एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होंगे, सही। अगेन वो आपको याद नहीं करने की ज़रूरत है, सही है। कुछ ऐसे कॉमन है जो आपको याद हो जाएंगे इस्तेमाल करते करते, सही है, और कुछ ऐसे जो अनकॉमन होंगे वो आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिस ना की जाए, प्रैक्टिस ज़रूरी है। याद ना कर देगा हरगिज मतलब ये मत समझिएगा कि प्रैक्टिस नहीं करें। जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने आप फ्लुएंट होते जाएंगे और वो टैग्स आपके जहन में रहते जाएंगे, वो टैग्स या वो एट्रीब्यूट्स वो सारे आपके जहन में रहते जाएंगे, वो फिर आप भूलेंगे नहीं खुद ही। जो नए टैग्स आएंगे वो एक दफ़ा आप यूज़ करेंगे वो आपको दोबारा याद होते जाएंगे। तो आपके बग़ैर मेहनत किए सिर्फ प्रैक्टिस करने से आप थोड़े अरसे में सारी चीज़ें आपके खुद जहन में आ जाएंगी, सही है। तो मेहनत कीजिएगा लेकिन स्मार्ट मेहनत कीजिएगा। एक स्मार्ट वर्क होता है, एक हार्ड वर्क होता है, सही ना। आप स्मार्ट वर्क करें वो हार्ड वर्क के आपको कवर करेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो एक सिंपल सा सिंटैक्स है कि आप किस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे आपके बीच में इंफॉर्मेशन आ जाती है, वो इंफॉर्मेशन यूजुअली टेक्स्ट होती है लेकिन कभी कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, सही है। अब हम देख लेते हैं कि आपकी जो वेबसाइट होती है उसके अंदर उस HTML का क्या किरदार है। लेट्स से के आपने ब्राउजर खोला हुआ है, ब्राउज़र का काम आपको बताया गया, ब्राउज़र का काम क्या है। तो इन्हें यहाँ पे आपने लिख दिया www.google.com, सही है। अब जैसे ही वेबसाइट खुलेगी तो यहाँ पे एक टैब बन जाएगा और इस टैब के ऊपर कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा। लाइट से सिर्फ गूगल लिखा हुआ, ऐसे ही यहाँ पे आपका एक लोगो शोगो होगा और ये सर्च बार होगा वगैरह वगैरह। ये पूरी वेबसाइट इसमें है क्या क्या, इस एक एक वेबसाइट का पूरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सही है। ये वाला जो हिस्सा है वेबसाइट का जो आपको विजिबल होता है पूरा स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहा होता है वो होती है बॉडी। जो स्क्रीन के ऊपर सारा हिस्सा आपको नजर आ रहा होता है वो होती है पूरी बॉडी, सही है। लेकिन जो आपकी बॉडी है वो ब्रेन के बगैर या हेड के बगैर काम नहीं करती, सही है। अगर आप कनेक्शन ब्रेक कर दें, सारे कनेक्शन आपके कहाँ से होते हैं, ब्रेन से। आपका ब्रेन सिग्नल देता है तो आप ये उंगलियां मूव करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसका मतलब जब ह्यूमन से ही पूरी एनर्जी उन्होंने दी है, बॉडी का नाम दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी बग़ैर सर के काम नहीं करती या बग़ैर ब्रेन की काम नहीं करती। तो एक चीज़ जो हमें इसमें लाजमी लगानी होती है वो है हेड। और हेड नाम से पता चल रहा है, या अगर आप ह्यूमन से एनर्जी पैदा करें तो वो भी पता समझ आने वाली चीज़ है कि हेड इज़ अ कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ होल बॉडी, सही ना। लेकिन वो यहाँ कहीं नज़र नहीं आता, सही है। हेड का काम है सिर्फ बॉडी को मूव करना। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हेड है HTML का जो हेड टैग है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी जो कि बॉडी की मूवमेंट के लिए ज़रूरी है, सही है, या बॉडी एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है, सही है। तो हेड का टैग नॉर्मल HTML में नहीं होता, लेकिन मतलब आप
जब बहुत सारी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम स्क्रिप्ट डालते हैं या CSS डालते हैं, तो उसके लिए हमें अंदाज़ा होगा कि हेड हेड में कुछ चीज़ें डालनी ज़रूरी है जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है, सही ना। वो आगे हम चलेंगे तो देखेंगे। तो ये दो मेन चीज़ें हैं, एक हेड है और एक बॉडी है, और ये किसके अंदर है? HTML। हमें बताना ज़रूरी है कि जो हम लिखने जा रहे हैं वो HTML। उसकी वजह ये है कि कुछ और भी चीज़ें, कुछ और भी ऐसे मार्कअप लैंग्वेजेज है जो हो सकती है, सही ना। XHTML हो सकती है, XHTML2 हो सकती है, या XML हो सकती है, या YAML हो सकती है, या जो है वो XAML हो सकती है। मल्टीपल लैंग्वेजेज है, मार्कअप लैंग्वेजेज, हमें उनसे ज़्यादा सरोकार नहीं है कोई, लेकिन हमें यह बताना ज़रूरी है ब्राउज़र को या जहाँ पे हम रन कर रहे हैं उसको, कि ये भाई जो तुम रन करने जा रहे हो ना वो एक HTML की फाइल है, सही। तो इस HTML के अंदर ये सारी ये दोनों चीज़ें आएंगी। इन दोनों चीज़ों में हेड के अंदर क्या आएगा? सारी हेड की इंफॉर्मेशन जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी है। और इस बॉडी के अंदर क्या आएगा? बॉडी के अंदर एक्चुअल चीज़ें आएंगी जो कि आपने अपनी इस स्क्रीन पर विजिबल करनी है। तो जो भी आपने स्क्रीन के ऊपर दिखाना है वो कहाँ आना चाहिए? बॉडी के अंदर। और जो भी आपने स्क्रीन पे नहीं दिखाना लेकिन बॉडी को फीड करना है वो सब कहाँ आएगा? हेड के अंदर, सही ना। ये चीज़ याद रखिए। तो ये एक नॉर्मल सिंटैक्स है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज़? जो भी आपने यहाँ पर दिखाना है, ये स्क्रीन है आपकी, जो भी आपने स्क्रीन पर दिखाना है वो सब का सब बॉडी में आएगा, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक बातें? चलें अब हम करते हैं ज़रा एक नॉर्मल सा टैग बना के चला के देखते हैं। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि हमने ये तो देख लिया कि लिखना क्या है, लेकिन कहाँ लिखना है ये कैसे देखेंगे? कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि ये जो फाइल है इसको जब मैं डबल क्लिक करके खोलूंगा तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि मैं ये मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खोलना है? एक्सटेंशन से पता चलेगा, सही है ना। एक्सटेंशन क्या होती है? हर फाइल की एक एक्सटेंशन होती है जो कि उस फाइल की सारी इंफॉर्मेशन रखती है, और वो ये बताती है कि ये फाइल किस टाइप ऑफ एप्लीकेशन से बिलोंग करती है, सही है ना। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊं, तो यहाँ ये मुझे नज़र आ रहा है कि टाइप ऑफ फाइल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। और उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? XLSX। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है फाइल की एक्सटेंशन, जो कि हमेशा डॉट करके आगे लगी होती है ना। आपने देखा होगा .exe, वो क्या होती है? वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है कि जब आप उसे रन करेंगे तो वो क्या करेगी? वो कुछ एग्जीक्यूट करेगी या वो कुछ इंस्ट्रक्शंस चलाएगी, सही है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं ये खोलूं तो ये क्या है? ये डॉक है। तो ये हर टाइप ऑफ फाइल के लिए डिफरेंट होगा, यूनिक होगा, सही है। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है, हमें कौन सी फाइल बनानी है? HTML की फाइल बनानी है। हमें वो फाइल बनानी है जो कि किस पे चले? ब्राउज़र पे चले, सही है। तो उसी ब्राउज़र के हिसाब से हमें फाइल बनानी पड़ेगी। और हमने अभी क्या करना है? हमने .HTML की फाइल बनानी है, सही ना। तो हम क्या करेंगे? हम जाते हैं, अच्छा अपना एक फोल्डर बना लीजिएगा हर एक। सबसे पहले एक फोल्डर बनाएं OTS वेब डेवलपमेंट के नाम से, या फिर अपने नाम से ऐसा फोल्डर जो कि आप खुद खोलें,
सही ना, आपको पता हो कि इस फोल्डर के अंदर मेरी सारी चीज़ें, तो एक नया फोल्डर हर कोई जाके डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर ले डॉक्यूमेंट के अंदर, ताकि आपको कभी ढूंढना ना पड़े जब कभी ज़रूरत पड़े तो। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहला काम करना है एक HTML की फाइल बनानी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जी ये जो जिससे कंप्यूटर को पता चलेगा कि ये जो जो भी मैंने रन करना है वो HTML के अंदर या ब्राउज़र के अंदर रन करना है। अब वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं लेकिन HTML नहीं आ रहा है। सही है, जो आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, जो भी टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर टेक्स्ट होता है सारा, ये जो HTML है या जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं या कोडिंग करते हैं ये भी क्या है, टेक्स्ट है, सारा का सारा टेक्स्ट है और कुछ भी नहीं है, ना पिक्चर्स है ना कुछ है, सिर्फ आपने लिखना होता है। सही ना, तो हम क्या करेंगे, हम नोटपैड इस्तेमाल कर लेते हैं। सही ना, मैंने इसे कह दिया कि फर्स्ट HTML पेज। सही है, अब ये जो नोटपैड है इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, TXT, जितने भी नोटपैड की सिंपल फाइल्स हैं ना उनकी एक्सटेंशन होती है TXT, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसकी एक्सटेंशन TXT, मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इसकी एक्सटेंशन .html हो, ताकि ये जो फाइल है वो ब्राउज़र में खुले और HTML को रन करे, तो मैं एक्सप्लिसिटली इसकी एक्सटेंशन चेंज कर दूँ, वो आप चेंज कर सकते हैं। सही ना, लेकिन लेट्स से कि अगर मैं एक्सेल फाइल की एक्सटेंशन चेंज करके TXT कर दूँ तो वो नहीं चलेगी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर वो वाला डेटा ही नहीं है चलने वाला। लेकिन जो टेक्स्ट फाइल है, ये जो हम अभी नोटपैड खोल रहे हैं, इसका काम ही सिर्फ टेक्स्ट लेना है। सही है, तो इसके अंदर हर किस्म का टेक्स्ट चल सकता है, और क्योंकि HTML भी एक टेक्स्ट है तो वो हम इसमें चला सकते हैं। सही है ना, तो मैं इसकी एक्सप्लिसिटली एक्सटेंशन चेंज कर दूँ, मैंने आगे क्या लगा दिया, .html लगा दिया। ये .html क्या करेगा, इसकी एक्सटेंशन को, बल्कि हम पहले हटा देते हैं, पहले हम ऐसे फाइल बनाते हैं, ये आ गए मेरे पास फर्स्ट HTML पेज। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखें, दोनों चीज़ों में आपने एक चीज़ कॉमन देखी कि मैंने क्या किया है, दोनों फोल्डर के नाम में, स्पेस नहीं दिया। सही ना, तो आप भी जो भी फाइल्स बनाएं हमेशा उसमें कोई स्पेस ना दें, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न हम आगे देखेंगे। सही ना, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई भी फाइल बनाए आप उसमें स्पेस ना दें। अच्छा जी, मैंने फर्स्ट HTML पेज बना लिया, मैं गया इसकी प्रॉपर्टीज़ में, इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर देखें तो ये क्या आ रहा है, .txt आ रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे .txt नहीं करना, अभी हम इसे .txt रहने दें। सही है जी, हमने इसे खोला और हमने कहा भाई ज़रा इसे नोट पैड से चला लो, ये मेरे पास नोट पैड खुल गया और इस पर मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ऐसे ही है, अभी जो हमने पढ़ा उस हिसाब से हम अब अपनी पहली HTML फाइल लिखने जा रहे हैं HTML टैग्स के थ्रू। टैग्स हमें पता है कैसे लिखते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, कौन कौन से टैग्स होते हैं। अभी जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा उस हिसाब से क्या है, सबसे जो मेन टैग है वो कौन सा होगा, HTML का। क्यों, क्योंकि हमें ब्राउज़र को ये बताना है कि जो फाइल तुम रन करने जा रहे हो वो HTML की फाइल है। तो सबसे पहले मैंने टैग बना दिया HTML। फिर हमने भी एक बेस्ट प्रैक्टिस पढ़ी, वो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, जब भी आप ओपनिंग टैग बनाएं तो उसके साथ साथ क्लोजिंग टैग भी बना लें, ताकि आप बाद में ना भूल जाएं। आपने उसके साथ साथ क्या किया, क्लोजिंग टैग भी बना लिया। अभी तो बताया कहाँ पर हैं आप, न्यू फाइल में टेक्स्ट फाइल बनाएं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अच्छा जी, फर्स्ट HTML टैग बना लिया, अब होना क्या है, जितनी भी चीज़ें आनी है वो इस HTML के टैग के अंदर आए। सही है, क्यों, क्योंकि हमें ये बताना है कि भाई जितना भी आप टैग्स लिखेंगे, टैग्स बनाएंगे, वो सब का सब किसका पार्ट होना चाहिए,
HTML का पार्ट होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसे जो कुछ भी दूसरी चीज आएगी वो सब की सब इस HTML के टैग के अंदर आएगी। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो फाइल हम लिखेंगे वो सारी HTML है, तो हमें उस पूरे को HTML के टैग के अंदर लिखना लाजमी है, ताकि ब्राउज़र को ये पता चल सके कि ये जो हम लिख रहे हैं वो HTML फाइल। ठीक है जी, कंप्यूटर्स ऑफ हो गए? कंप्यूटर्स UPS पे क्यों नहीं है? ये इनका कैसे चल रहा है? यहाँ के सारे चल रहे हैं। चले हम लिखते हैं, आप लोग देख सकते हैं ना, देख लें अब तक फिर, या कॉपी शॉपी एक कागज़ कलम बहुत ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ सिर्फ 2-3 लोगों के पास ही है। आप जितने भी बड़े हो जाएं, जितने भी बड़े इंजीनियर बन जाएं, कागज़ कलम की अहमियत को जो है वो कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करें। ये क्या हुआ, देखिए अभी देख लें, अभी काम आ सकता है। बहरहाल चल जी, HTML टैग हो गया। अब इसके अंदर दो टैग्स और आने, क्योंकि HTML के टैग के अंदर जो आर्किटेक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, वो सबसे पहले है आपका HTML, जिसके अंदर पूरी HTML आएगी, और उस HTML के स्ट्रक्चर के अंदर दो मेन टैग हैं, एक हेड है और एक बॉडी है, ये दोनों लाजमी। तो इसका मतलब ये तीन टैग्स या तीन स्ट्रक्चर लाजमी है। दूसरा टैग कौन सा है, हेड, या आपने बनाया भी और इसे क्लोज भी कर दी। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये एक और बेस्ट प्रैक्टिस है, या फिर एक और मेंटेनेंस के लिहाज से एक चीज़ है। वो क्या कि अगर अभी आप पढ़ें तो ये आपको अजीब सा लग रहा है, मतलब अजीब सा लगने से मुराद ये कि सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं। पहले हम कर लें फिर बताएं, मैंने इसे थोड़ा सा आगे कर दिया। ये बता क्या रहा है, ये वाला जो टैग है ना, ये कौन सा टैग कहलाएगा, ये कहलाएगा पेरेंट टैग, सही ना? ये पूरा, ये दोनों मिला के, ये HTML और ये HTML, ये मिला के कहलाएंगे पेरेंट टैग। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर क्या किया, एक और टैग बना दिया। ये कहलाएगा चाइल्ड टैग। हेड इज अ चाइल्ड टैग ऑफ HTML, सही है? ये स्टेटमेंट समझ आ रही है? Head is a child tag of HTML, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि HTML is a parent tag of head, सही है? और ये parent और child का relation कैसे पता चल रहा है आपको, visualize देख कैसे सकते हैं, वो आप इस gap से देख सकते हैं। इस gap का मकसद क्या है, इस gap का मकसद ये बताना है कि ये जो head का tag है वो HTML के अंदर है, या HTML का चाइल्ड है, सही है? अगला नेसेसरी टैग कौन सा है, बॉडी। मैंने बॉडी को ओपन किया और बॉडी को साथ साथ क्लोज भी कर दिया, सही ना? लेकिन बॉडी किसका चाइल्ड है, बॉडी का टैग किसका चाइल्ड है, HTML का चाइल्ड है, और भाई किसका है, हेड का। तो भाइयों को साथ रहना चाहिए पेरेंट के अंडर। तो मैं इसमें भी एक टैब दे दूंगा। इस टैब से क्या हो रहा है, मुझे पता चल रहा है कि हेड और बॉडी क्या है, दोनों चाइल्ड्स हैं और दोनों ब्रदर या सिस्टर, जो भी कहना चाहे कहें, सही है? जबकि जो HTML है वो क्या है, वो इनका पेरेंट है। ठीक हो गया, ये बात समझ में तो नहीं आ रही? चले जी, ठीक हो गया जी। अब हेड के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, बॉडी के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, वो अभी हमें नहीं पता क्या है। हम एक काम करते हैं, जब तक सिर्फ इस बॉडी के अंदर कुछ लिख देते हैं। मैं लिख देता हूं कि दिस इज बॉडी, और यहां पे लिख देता हूं
दिस इज हेड, सही है। देख रहे हैं आपके बॉडी के अंदर जो टेक्स्ट लिखना था मैंने उसे भी थोड़ा सा इंडेंटेशन दे दी, गैप दे दिया, ताकि ये पता रहे कि ये जो टेक्स्ट है ये किससे बिलोंग करता है, ये बॉडी से बिलोंग करता है या बॉडी का पार्ट है। इसी तरीके से मैंने हेड में भी यही लिख दिया। अभी हमारी फर्स्ट HTML लिख ली है हमने, लेकिन हम इसे चलाएंगे कैसे? सबसे पहले तो इसे सेव कर लें, कंट्रोल एस करके आपने सेव कर लिया। अब जब मैं इसे ओपन करूंगा तो ये तो यही पेज खुल रहा है, और ओपन विद में सिर्फ ये आ रहा है। अगर मैं इसे ब्राउजर में चला भी दूं तो ब्राउजर इसे नहीं चला पाएगा, क्यों? क्योंकि जो इसकी एक्सटेंशन है वो क्या है, .txt, सही ना। तो मैं क्या करूं, मैं इसे करूंगा रीनेम, मैं एक्सटेंशन चेंज करने जा रहा हूं। आएगा मेरी .txt इंशन है, वो तो एक्सटेंशन है, वो तो ब्राउजर चला ही नहीं सकता। मैं इस .txt को चेंज करके क्या कर दूं, .html कर दूं। वैलिड एक्सटेंशन करनी है आपने, इनवैलिड नहीं करनी। HTML इज वन ऑफ द वैलिड एक्सटेंशन जो कि ब्राउजर में रन होती है। ओह, ये भी अभी चेंज हुई, सॉरी। अच्छा, वैसे इसे यहाँ से चेंज तो हो जाना चाहिए, लेकिन चले हम इसे एक काम करते हैं, ये विंडोज का शायद कुछ मसला है। बहरहाल हम इसे खुली भी तो है ये हमारे पास, हम इसे करते हैं सेव एज, सही है। फर्स्ट HTML पेज ही रख रहे हैं हम इसे, और यहाँ पे सिर्फ .txt आ रहा है, और मुझे .txt से सेव नहीं करना। मैं यहाँ पे करूँगा ऑल फाइल्स, और इसके आगे मैं लगा देता हूँ .html। चल जी, अब देखते हैं क्या हुआ। अब यहाँ पे एक नई फाइल बनकर आ गई जिसका नाम वही है, लेकिन अब इस पर टेक्स्ट की जगह क्या बना हुआ आ रहा है, एच, ये एच का लोगो है, एच का लोगो बना हुआ आ रहा है, सही ना। एच का लोगो इसलिए बना हुआ आ रहा है क्योंकि जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो एज होगा। हम इसे चेंज कर लें, जिसके पास है वो चेंज कर लें। डिफॉल्ट सेटिंग्स में गए, यहाँ पे जो वेब ब्राउजर है वो एज आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज आ रहा है, सही ना। माइक्रोसॉफ्ट एज काफ़ी आउटडेटेड है तो हम वो यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको चेंज करके यहाँ पे क्रोम कर लेते हैं, सही है। मैंने इस वेब ब्राउजर को चेंज करके क्रोम कर लिया। जिस जिसके पास आ रहा है वो करे, जिसके पास नहीं आ रहा वो ना करे। किस किस के पास एज आ रहा है कंप्यूटर में, एज आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, सेव नहीं हो रहा, सेव एज किया आपने। देखिए हम दोबारा से पूरा प्रोसेस देख रहे हैं, ये पेज खुला हुआ था मेरे पास, जिसके पास नहीं हुआ वो देख लें इधर, यहाँ तक पेज खुला, यहाँ तक लिख लिया सबने, सही ना। हमारा इशू क्या था, प्रॉब्लम क्या था, कि ये .txt फाइल है, हमें .html फाइल चाहिए। आप यहीं पर है ना अभी, कहाँ पर हैं आप, क्या हट गया भाई, नहीं दूसरी फाइल खोले आप, सारी फाइल्स में से हट गया, से खोलें, नई फाइल बना लें, नई फाइल बना लें, नई फाइल में ये लिखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसे लिख लें, इस वाले स्टेज पे सब पहुंच जाएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो आगे पहुंच गए हैं, जिन्होंने क्रोम चेंज कर लिया, वो जरा चला के देखें HTML पे ब्राउजर पे क्या लिखा हुआ आ रहा है। चला लिया आप, पहुंच गए आप दोनों कहां पर हैं, लिखें लिखें जल्दी। अच्छा, अभी देख लेते हैं,
इसको सेव एज करें, ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, फिफ्थ ऑप्शन सेव एज, इन्हें भी पहुँचने दें, आप भी लिख लें पहले जल्दी से। हाँ भाई बाकियों ने चला लिया तो चलाओ ना भाई, नहीं चल रहा, अच्छा अच्छा चलो लिख लो फिर जब तक ये। इस फाइल के ऊपर कहाँ तक पहुंची हैं आप? सेव नहीं कर रहे हैं अभी, हम यहाँ से देख रहे हैं सेव करना। अच्छा जी यहाँ से आप लोगों ने करना है जाके सेव एज, यहाँ फाइल में जाएं कोने में और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेव एज, सही है? जब आप सेव एज में जाएंगे तो ये नाम तो यही लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सेव एज टाइप है वो टेक्स्ट लिखी हुई आ रही है, हमें टेक्स्ट फाइल से सेव नहीं करना है ना। जब हम यहाँ पे जाएंगे तो HTML भी नहीं आ रही, तो हम HTML की से हटा के TXT से हटा के ऑल फाइल्स कर दें, सही है ना? ऑल फाइल्स करने के बाद ये जो पेज है इसके आगे लगा दें आप .html, सही है? .html लगा के आप सेव करें। जब सेव करेंगे तो आपके पास ये एक बना हुआ आ जाएगा लोगों के साथ, ब्राउजर के लोगों के साथ, सही ना? काफियों के पास एज आ रहा है, तो हमने कहा यार एज जो है वो थोड़ा आउटडेटेड ब्राउजर है, हम उसको चेंज करके गूगल क्रोम कर लेते हैं, सही ना? आपके पास क्या आ रहा है? क्रोम आ रहा है, एज आ रहा है? एज आ रहा है, आपके पास क्या आ रहा है? सेव एज किया आपने, वो सेव नहीं हुआ, तो कहाँ पे सेव हुआ वो? आपने कौन सा फोल्डर खोला हुआ था? अच्छा जी जिन जिन के पास एज आ रहा है उन्हें क्रोम करना है, आप प्रेस करें विंडो, सर्च बार खुल जाएगी, यहाँ पे आप सर्च करें डिफॉल्ट, जैसे ही डिफॉल्ट लिखेंगे यहाँ पे डिफॉल्ट एप्स आ जाएगा सिस्टम सेटिंग्स के अंदर, आ गया? इसको क्लिक करें, आपके पास ये स्क्रीन खुल जाएगी, खुल गई। इसमें जब आप नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पे आ रहा होगा वेब ब्राउजर, उस वेब ब्राउजर पे क्लिक करें जो आके आपके पास एज हुआ हुआ होगा, हाँ तो उस पर क्लिक करें ना, वहां से इसको सेलेक्ट करें गूगल क्रोम, क्रोम अवेलेबल ही नहीं है आपके पास भी, गूगल क्रोम नहीं आ रहा, चलें फिर एज चलाएं, मैं गूगल क्रोम इस पर इंस्टॉल करवा देता हूँ, चेंज नहीं करें फिर, अभी एज चलाएं, इंटरनेट एक्सप्लोरर से बेहतर एज है, ठीक है जी? ये आ गया आपके पास, अब इस पर देखें ब्राउजर बना हुआ आ रहा है, अब जब आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो अब ये वेबसाइट में खुलेगा, सही ना? हाँ ओके कर, ठीक है जी, ये आपका पहला HTML पेज है जिसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज हेड दिस इज बॉडी, लेकिन सब कुछ किसके अंदर नजर आ रहा है, इसी पेज के अंदर, और आपका टाइटल क्या आ रहा है, फर्स्ट HTML पेज .html, मतलब आपकी फाइल का नाम आ रहा है और यहाँ पे बॉडी लिखी हुई है, ठीक है जी? ये आपका पहला HTML पेज है। ऑब्वियसली इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे जाके इसे पढ़ते रहेंगे। एक मशवरा आप लोगों के लिए ये होगा कि आपके पास अभी पढ़ा हुआ है पूरा वीक, सही ना? इस पूरे वीक में आपने करनी है प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है, ये एक वेबसाइट है, W3 School, है ना? कुछ ने इसका नाम सुना हुआ होगा, कुछ नहीं सुना हुआ होगा, तो आपने कुछ नहीं करना, गूगल पे जाके सर्च करना है W3 School,
HTML, बस जो सबसे पहला रिजल्ट आएगा ना वो आपने खोलना है और उसके अंदर लाइन से उन्होंने टैग्स पढ़ाए हैं, सही है? तो एटलीस्ट कम से कम आपने 10 टैग्स सीख कर आना, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सीख लें करते रहें प्रैक्टिस। लेकिन अभी जो आपके पास अगले 5 दिन हैं उनमें कम से कम एक दिन में आधा घंटा दें, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब बेहतर ये है कि 1 घंटा दें, लेकिन आधा घंटा भी दे दें तो चल जाएगा। क्या चीज़? ये की तो है हमने, ये टैग ही तो है, ये बॉडी का टैग है, इसके अंदर टेक्स्ट है। नहीं, क्वेश्चन लिखा है मतलब मैं समझा नहीं। आपके टैग्स में और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, जितने भी टैग्स हैं वो सब इसी तरीके से बनेंगे। फ़र्क इसमें सिर्फ क्या होगा, कुछ में नाम चेंज हो जाएगा, कुछ में एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे जो हमने पढ़े, सही है ना? तो बेसिक टैग आपका बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, कोई सवाल पूछना है तो वो कर लें, अभी सवाल पे हमारे पास वक्त है, ज़्यादा नहीं है लेकिन है थोड़ा सा। हेड और बॉडी एक लाइन में आने का, ये आ कहीं भी सकता है, आप इसे यूं पीछे ले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी चीज़ के ऊपर, आपकी वेबसाइट बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसी अभी चल रही है। ये जो हमने किया है ना, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है और ये दोनों आपस में ब्रदर्स हैं या सिस्टर टैग्स हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल एक साथ लिखे हैं, इससे हमें वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझने में आसानी होती है और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ एक बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक हो गया जी। तो ये W3 School HTML लिखें, इसमें टैग्स आएंगे, वो टैग्स पढ़ें, ये मोबाइल पे भी आराम से चल जाती है। अगर किसी को ये मसला हो कि हम वक्त नहीं मिलेगा या कंप्यूटर पे कैसे खोल के टैग्स देखें, तो ये मोबाइल पे भी चल जाती है, मोबाइल पे खोलें, टैग्स चलाएं, रन करें, सीखें, फिर हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें आज के लिए फिर इतना ही, अभी आप लोग जा सकते हैं।